हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक गुरु इंडिया। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आज बात करने वाले हैं कि आप वीपीएन का यूज़ अपने एडमोब अकाउंट या एडसेंस अकाउंट से अर्निंग कर सकते हैं वीपीएन यूज़ करके, उसी बारे में आज हम बात करने वाले। मैं आपको बता दूँ कि मेरे वीडियो में कॉमेंट आ रहे थे या व्हाट्सएप पर कई लोगों के मैसेज आए थे कि हम वीपीएन का यूज़ करके अर्निंग कर सकते, तो मैं उसी बारे में आज बात करने वाला हूँ। हाँ, तो आप वीपीएन का यूज़ करके अर्निंग कर सकते हो, पर उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ हमें जो फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि हमारा अकाउंट सस्पेंड ना हो, उसकी खास बात ध्यान रखनी पड़ती है। इसी बारे में आज बात करते हैं। हम पांच टॉपिक लाए हैं, आज पांच टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। पहला टॉपिक है एडसेंस रूल। एडसेंस रूल के मुताबिक आपको जो अर्निंग ऐप आप बनाते हैं, जो अर्निंग ऐप आप बना के सभी लोगों से अर्निंग पेटीएम कैश देते हैं आप, और उन लोगों से आप क्लिक करवाते हैं इतने इंप्रेशन पर इतने क्लिक, वो सब एक तरह से यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ ही है, क्योंकि यूट्यूब में साफ मना किया है कि आप क्लिक उनसे नहीं करवा सकते। उनकी मर्जी, जो क्लिक करना वो खुद से क्लिक करे तो ही सही है, आप खुद से क्लिक करवाते उनसे आप क्लिक करवाते वो यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ है। इसमें ऐसे कई सारे लोगों के इसमें भी अकाउंट सस्पेंड हुए हैं कि वो यूट्यूब को पता चल जाता है, उसी बारे में हम बात करने हम आपको आगे बताएंगे कि इसके बारे में अब डिटेल में बताएंगे। अब दूसरा है वीपीएन। आप वीपीएन का यूज़ कर सकते हो, वीपीएन से यूज़ करके अर्निंग कर सकते हो, पर आप उसे कौन सा वीपीएन यूज़ करो, कौन से वीपीएन अच्छा है, कौन सा वीपीएन अच्छा नहीं है, कई सारे वीपीएन आते हैं, हम यहाँ प्ले स्टोर में आपको बता देते हैं। देखिए, हम प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं, मैं नेट चालू कर लेता हूँ अपना। यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन किया और यहाँ पे वीपीएन सर्च किया हम। देखिए, एक मिनट, सॉरी, वीपीएन देखिए, यहाँ पे एक्सप्रेस वीपीएन है, VPN Master, Turbo VPN, VPN, VPN Master, VPN Master, Super VPN, VPN Ola, ऐसे कई सारे VPN हैं। आप देखते जाओ कितने सारे VPN हैं, आप देखो खुद, आप देखते देखते आप थक जाओगे, उतने सारे VPN हैं। देखिए, पर उनमें से कौन सा VPN अच्छा है, कौन से VPN की प्राइवेसी है, कौन से VPN की अपनी प्राइवेसी नहीं है, कौन सा VPN आप कौन सा VPN आपके डेटा को सेफ रखता है, वो सब बातें ध्यान में रखनी पड़ती है। कौन सा VPN अच्छा है, कौन सा VPN अच्छा नहीं है, जो प्रो अमुक कई आप सोचते होंगे कि प्रो VPN होते हैं जो पैसा लेके आपके VPN अच्छे होते हैं, उनमें से भी कई सारे VPN ऐसे होते हैं जो पैसा भी आपसे लेता है पर आपके VPN को प्राइवेसी नहीं देता, वो VPN अच्छे नहीं होते। हम आपको अच्छे VPN के बारे में आगे बताएंगे। अगर वो VPN पैसा वाला है तो उसे फ्री में कैसे करें, या आपको ट्रायल ख़त्म होने जाने के बाद आप उसे फ्री में कैसे यूज़ कर सकते हैं, VPN आप कैसे यूज़ करें, वो सब हम आपको आगे बताएंगे। तीसरा है कंट्री। अब बात रही VPN, तो हमने चलो इंस्टॉल भी कर लिया, उसमें से कौन सी कंट्री हमें यूज़ करनी चाहिए, कंट्री पे किस कंट्री पे ज़्यादा CPC मिलती है, क्या करना चाहिए, किस टाइम पे हम काम वर्क करें उस कंट्री में तो वो हमें CPC देगा, किस टाइम पे हम वर्क करेंगे तो CPC मिलेगी, CPC हमें कैसे मिलेगी, उस सब की बातें हम ध्यान में रखनी पड़ती है कि कंट्री कैसे यूज़ करें, कौन सी कंट्री यूज़ करें। VPN में को तो कई सारी कंट्री आती है, पर कई किस किस कंट्री में CPC हमें ज़्यादा मिलती है, किस कंट्री में CPC नहीं मिलती है, उसके बाद भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। इसमें कंट्री भी बेहतरीन है, आप किस कंट्री पे यूज़ करो तो अकाउंट सस्पेंड हो सके, यहाँ पे कंट्री पर भी डिपेंड करता है आपके अकाउंट का सस्पेंड होना या ना होना। हमें किस कितने टाइम पर आप यूज़ करो तो अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा, कितने टाइम पर आप किस कंट्री को यूज़ करना चाहिए, इसमें टाइम के हिसाब से आपको CPC मिलती है, किस टाइम पे आप वर्क करोगे तो आपको मिलेगा CPC या नहीं मिलेगा, कितनी CPC मिलेगी किस कंट्री में, वह बात मैं आपको बता दूंगा। अब बात रही चौथी व्यूज़ क्लिक और इंप्रेशन। आपको वालो चलो आपने इतना तो कर लिया कंट्री तक का, कंट्री भी आपको पता चल गया किस कंट्री में आपको मिलता है। बात रही व्यूज़ क्लिक और इम्प्रेशन की, व्यूज़ में आपको व्यूज़ क्लिक और इम्प्रेशन
आपको कितने व्यूज़ चाहिए करने पड़ेंगे, कितने व्यूज़ पर आपको एक क्लिक करने पड़ेंगे, इम्प्रेशन कितनी चाहिए, वो सब बातें आपको ध्यान में रखना पड़ता है। अगर आप वो मेन पार्ट है व्यूज़, क्लिक और इम्प्रेशन, आप इसी बात का आप ध्यान नहीं रखते तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। आपको व्यूज़ कितने व्यूज़ चाहिए, कितने किस कंट्री पे कितने व्यूज़ करने हैं, कितने कितनी क्लिक करनी है, दिन में कितने क्लिक करने हैं, मंथली कितने क्लिक करने हैं, कितने व्यूज़ के बाद क्लिक करने हैं, कितने इंप्रेशन के बाद क्लिक करना, वो बेस्ट रहेगा। आपको वो सब कुछ ध्यान में रखना पड़ता है, उसी के बाद आप वर्क कर सकते हैं। आपको कई लोगों ने देखा होगा कि कई लोगों का पेमेंट आ जाता है एडमोब से जो ये वीपीएन यूज़ करते हैं, और कई लोगों का नहीं आता। मैं आपको खुद दिखा देता हूँ, मेरे कई अकाउंट है जो सस्पेंड हो चुके हैं। मैंने आपको पहले, मुझे मैसेज आया था तो 3-4 दिन पहले मैंने ये ट्राई कर लिया था। मैं आपको यहाँ पे दिखाई देता हूँ, एक तो ये वाला रहा, मैं आपको देता दे अकाउंट, नो अकाउंट इज द एडसेंस फाउंड। देखिए अजी, अभी हम दूसरा कर लेते हैं। यहाँ पे आपको मैं सब कुछ बता दूंगा आपको, ये वाला दिस अकाउंट इज डिसअप्रूव्ड। देखिए ऐसे कई सारे अकाउंट है, यहाँ पे मैं ये वाला ले लेता हूँ, अकाउंट इज डिसअप्रूव्ड। इसका मतलब ये हुआ कि आप वीपीएन यूज़ कर सकते हो, पर कैसे यूज़ करें, कितने क्लिक्स करें, कितने व्यूज़ करें, कितने इंप्रेशन करें, किस कंट्री पे से हम इंप्रेशन और व्यूज़ लाए, किस कंट्री कंट्री पे हम ध्यान रखें, अगर व्यूज़ और इंप्रेशन ज़्यादा लाने हैं तो क्या करें, उसका भी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो सब बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। वो सब बातें ध्यान में रखने के लिए हम आगे उसके लिए भी ट्यूटोरियल अलग से बना देंगे आपके लिए। और बात पांचवा है सीपीसी और सीपीसी। आपको सीपीसी मैंने बता दिया किस कंट्री पे ज़्यादा मिलती है, तो आपको सीपीसी कंट्री वाइज मिलती है। आपने मान लो पहले काम किया इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये सारे कंट्री पे आपको सीपीसी तो आपने देखी ली है खुद से, 0.10 या इतनी सीपीसी मिलती है, पर आपको ज़्यादा सीपीसी मिल सकती है, पर वो कैसे काम करना मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट में स्टॉप करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो के ओपन कर लिया है सीपीसी का, आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया पे 1.6 सीपीसी मिलती है। देखिए हमने ऑस्ट्रेलिया पे इसने काम किया, पर इसमें कैसा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया पे काम करके सीपीसी मिली है, पर आपको ऐसी सीपीसी आप ट्राई करोगे तो आपको सीपीसी नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको खास बातें ध्यान में रखनी पड़ती है। सीपीसी में क्या, आपने जो थंकेबल से ऐप बनाया उस पर आपको सीपीसी नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको कई ऐसी ऐप है जिसमें कोड एडिट करना पड़ता है प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, उस ऐप जिसमें आपको सीपीसी ज़्यादा मिलती है। हाँ, आप प्ले स्टोर में अपडेट करते हो तो आपके सीपीसी पे प्रभाव फर्क दिखाई देता है। आप यहाँ पे सीपीसी आपको ऐसे नहीं मिलती, इसको सीपीसी मिली है क्योंकि उसने कई सारी अलग ऐप यूज़ की है, और उन हाई सीपीसी ऐप की डिटेल मेरे पास है कि कई कौन से हाई सीपीसी वाले ऐप है, मैं भी आपको वो बताऊंगा और कोड एडिट करना भी आपको सिखा दूंगा। आपको ये सब ध्यान में रखना पड़ता है। अब बात रही सीटीआर, आपको कई लोग बोलते सीटीआर सीटीआर, कई लोगों को तो यही भी नहीं पता सीटीआर क्या है। मेरे पास कई ऐसे कॉम व्हाट्सएप पे मैसेज आए सीटीआर क्या है, सीटीआर मतलब आप जो काम करते हो आपको सीटीआर, कई लोगों को पता ही नहीं कितना सीटीआर रखना होता है। कई लोग तो 15% से ऊपर का सीटीआर रखते हैं, 10% से ऊपर का सीटीआर रखते हैं। अब आपको बता दूं कि एडमोब के आप वीपीएन यूज़ करने में आपको कितना सीटीआर रखना है। अगर आप वीपीएन यूज़ करके अर्निंग करते हो तो आपको सीटीआर रखना है अपना मेंटेन 5% से अंदर ही आपको सीटीआर रखना है। अगर आपने 5% से ऊपर सीटीआर रखा तो आपके अकाउंट बैन होने के चांसेस ज़्यादा है। आपको सीटीआर कैसे मेंटेन करें उसके लिए कई खास तरह की ऐप बनानी पड़ती है, जो मेरे पास पहले से AI है उसका अवेलेबल है। आप उसे उसकी तरह की ऐप बना सकते हो और आप अपने व्यूज़ और इम्प्रेशन कंप्लीट कर सकते हो। और व्यूज़ और इम्प्रेशन आप कर सकते हो और अपने सीटीआर को मेंटेन कर सकते हो। सीटीआर बहुत ही बढ़िया चीज़ है और उसको खास ध्यान अपने ध्यान रखना पड़ेगा, सीटीआर कैसे मेंटेन करें। अपने सीटीआर को 5% से अंदर ही रखना है, 5% से ऊपर मत रखना क्योंकि आपके अकाउंट बैन होने के चांसेस ज़्यादा है। और जो वीपीएन से अर्निंग नहीं करना चाहते उन लोगों के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि गूगल के गाइडलाइन के खिलाफ ही है आप अर्निंग ऐप से जो क्लिक करवाते हैं।
अगर आप उस क्लिक करवाते हैं उसका भी CTR आप 7% से अंदर ही रखिए, बेस्ट रहेगा, आपका अकाउंट बैन नहीं होगा। 90.9% आपका अकाउंट बैन नहीं होगा। फ्रेंड्स, हमने CTR का भी हमने आपको बता दिया। अब बात रही अकाउंट सस्पेंड होने की, कई लोगों के पेमेंट आ जाती है और कई लोगों का अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, उसे हम कैसे ध्यान में रखें कि अकाउंट हमारा सस्पेंड ना हो, उसके लिए जो मैंने आपके सभी बातें अपने पे मैंने पहले बताई वो सभी बातों को आपको डिटेल में आपको जानना पड़ेगा, और डिटेल में आपको उसके बारे में जानना पड़ेगा, उसके बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आप उसी टॉपिक को आप ध्यान में रखेंगे, पांच के पांचों टॉपिक को आप ध्यान में रखेंगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा और आपके अर्निंग आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। 90% आपके बैंक में आपके अर्निंग आ जाएगी। 10% में आपको कुछ नहीं बता सकता क्योंकि गूगल सबका बाप है, उसको भी पता चल जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं। यहाँ पर कई लोगों के मेरे पास प्रूफ भी है जो अर्निंग आ जाती है, मैं आपको वो भी बता दूंगा आपको अर्निंग कैसे आएगी। अकाउंट सस्पेंड होने से पहले आपकी अर्निंग आ जाएगी, अब अपने अकाउंट को सस्पेंड होने से कैसे बचाए वो भी आपको मैं डिटेल में उसके बारे में सब कुछ बता दूंगा। अगर आपको इसके बारे में डिटेल सब कुछ जानना है, सभी रूल्स या ट्रिक जो मैंने आपको सभी बताई, कौन सा VPN अच्छा है, कौन से VPN को कितने टाइम पर यूज़ करना, वो सब आपको जानना है, वो सब कुछ आपको जो मैंने बताया वो पहले से 5 स्टेप, वो सभी स्टेप के बारे में आपको डिटेल में जानना है, तो आपको हमारे वीडियो पे लाइक करना होगा अगर आप, और हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा तो ही मैं आगे उस पर वीडियो बनाऊंगा, वरना मैं समझ लूँगा कि आप सभी को ये पसंद नहीं आया तो मैं आगे इस पर वीडियो नहीं बनाऊंगा। अगर आपको इस पर आगे वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट करके हमें बताना होगा, हमारे व्यूज़ और कमेंट्स मैं देखूंगा, व्यूज़ कितने और कमेंट्स कितने हैं उस पर ही डिपेंड करेगा कि हमें आगे वीडियो बनाना है या नहीं बनाना। अगर आपको ये सीखना हो तो आगे ज़रूर कमेंट कीजिए, से कमेंट कीजिए हमें, तो मैं आगे उस पर वीडियो बनाऊंगा। बाय फ्रेंड्स।